हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रतिभा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। सो आज की वीडियो होने वाली है एक और मीशो हॉल, एंड इस बार जो मैं आपके साथ प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूं वो है बहुत ही यूजफुल एंड अफोर्डेबल किचन ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट्स। फेस्टिवल्स आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर एंड हम सबको बहुत सारी शॉपिंग करनी है फॉर गिफ्टिंग एंड फॉर आर रिलेटिव्स। सो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने बहुत ही यूनिक एंड अफोर्डेबल किचन ऑर्गेनाइजेशन टूल्स सेलेक्ट किए हैं। मीशो पे मिलते हैं हजारों वेराइटीज के किचन ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट्स बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पे, और मुझे किस तरह की क्वालिटी रिसीव हुई है वो मैं आप सबके साथ आगे वीडियो में शेयर करूंगी। मीशो इज इंडियाज फेवरेट ऐप टू बाय टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट लोएस्ट एवर प्राइसेस। मीशो इज ट्रस्टेड बाय ओवर 1 करोड़ प्लस यूजर्स अक्रॉस इंडिया। यहाँ पे आपको 50 लाख प्लस प्रोडक्ट्स की वेराइटीज मिल जाएगी, एंड यू कैन शॉप फ्रॉम वुमेन्स फैशन, मेन्स फैशन, किड्स वेयर, फुटवेयर एंड मेनी मोर थिंग्स। मीशो पे आप शॉपिंग के साथ साथ रीसेलिंग भी कर सकते हैं। आपको जो भी प्रोडक्ट्स पसंद आते हैं आप उन्हें अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ शेयर कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सो यू कैन शॉप एज वेल एज अर्न ऑन मीशो। मीशो पे शॉपिंग भी बहुत ही ईजी है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन पेमेंट ऑप्शंस मिलते हैं, यानी कि आप कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्री डिलीवरी एंड ईजी रिटर्न ऑप्शन भी मिलते हैं। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है यू कैन इजिली रिटर्न इट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो विदाउट एनी फर्दर एडियो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं मैंने फर्स्ट प्रोडक्ट क्या मंगवाया है। मैंने अपने किचन को ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ स्टोरेज कंटेनर्स मंगवाए हैं। लेट मी शो दिस टू यू गाइस। सो ये वो स्टोरेज कंटेनर है, इसमें मैंने 6 का सेट मंगवाया है। ये प्लास्टिक मटेरियल का बना हुआ है एंड इसकी कैपेसिटी है 1500 ml। एज यू कैन सी दिस इज क्वाइट स्टर्डी, और इसके साथ आपको ये डिटैचेबल ड्रेन प्लेट भी मिलती है। सो एक्चुअली मुझे ये बहुत टाइम से चाहिए था मेरे फ्रिज के लिए, बिकॉज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हैंडी है। सो लेट मी शो यू द सेट गाइस। सो मुझे ये 6 का सेट रिसीव हुआ है, एंड ये मुझे रिसीव हुआ है एट 418 rupees। ये स्टोरेज कंटेनर्स आपको 6 के सेट में मिल जाएंगे एंड इनकी कैपेसिटी है 1500 ml ईच। इन स्टोरेज कंटेनर्स में आप अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को इजीली स्टोर कर सकते हैं, एंड इससे आपका फ्रिज काफ़ी नीट एंड क्लीन दिखता है। दीज कंटेनर्स आर फ्रीजर सेफ एंड इनके डायमेंशंस हैं 12 cm by 27 cm। द बेस्ट पार्ट अबाउट दीज कंटेनर्स इज दैट दे आर मेड ऑफ प्लास्टिक मटेरियल विच इज 100% BPA फ्री, एंड इसके साथ आपको एक रिमूवेबल ड्रेन प्लेट भी मिल जाती है जिससे कि आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स काफ़ी लंबे टाइम तक फ्रेश रहते हैं। मीशो पे आपको 6 कंटेनर्स का सेट मिल रहा है ओनली फॉर 418 rupees। सो आई फील एट दिस प्राइस इट्स रियली अ वेरी गुड डील, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं मैंने नेक्स्ट आइटम क्या मंगवाया है। मुझे बहुत टाइम से अपने किचन के लिए कुछ ऑर्गेनाइजर्स चाहिए थे, तो मैंने ये स्टोरेज ऑर्गेनाइजर मंगवाया है। आप देख सकते हैं मुझे इसमें 2 का सेट रिसीव हुआ है। इसमें आप डिफरेंट टाइप्स के सीरियल्स और पल्सेस को स्टोर कर सकते हैं। इसकी कैपेसिटी है 1000 ml, एंड इसमें आपको 250 grams ईच के 4 कंपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं इसमें 4 डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं। सो अगर आपको डेली यूज में डिफरेंट टाइप्स की दालों को स्टोर करना है तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हैंडी है। ये कंटेनर्स एयर टाइट हैं एंड आप इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स को भी स्टोर करके रख सकते हैं। इन जार्स के डायमेंशन हैं 18 cm by 15 cm, एंड दे विल ईजिली फिट योर कबर्ड। दीज फूड स्टोरेज जार्स आर मेड फ्रॉम non-BPA non-toxic प्लास्टिक। They are easy to clean and dishwasher safe. इस टाइप के स्टोरेज कंटेनर्स को यूज करने से आपका किचन काफी ऑर्गेनाइज लगता है। मीशो में मुझे ये 2 कंटेनर्स का सेट 305 rupees में रिसीव हुआ है, एंड अगर इसकी क्वालिटी की बात करें तो इसका मटेरियल बहुत ही ज्यादा स्टर्डी एंड ड्यूरेबल है, तो आई वुड से आप इसको एक बार जरूर ट्राई करके देखें। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं मुझे नेक्स्ट आइटम क्या रिसीव हुआ है। मीशो से मैंने नेक्स्ट आइटम जो मंगवाया है वो है ये बोरोसिलिकेट का टिफिन बॉक्स। ये मुझे कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में रिसीव हुआ है। सो लेट मी शो यू द टिफिन बॉक्स एज वेल। इस तरीके का टिफिन बॉक्स आया है, एंड ये काफी ज्यादा स्पेशियस है। इफ यू सी, इसमें आपको 2 कंपार्टमेंट्स मिल जाते हैं।
ये लंच बॉक्स मैंने अपने ऑफिस के लिए मंगवाया है बिकॉज आपको अपना खाना गर्म करना होता है एंड ये टोटली माइक्रोवेव सेफ है। ये आपको 1000 ml कैपेसिटी में मिल जाता है तो आप इजीली अपना खाना इसमें ले जा सकते हैं। इस टिफिन बॉक्स में आपको 2 का पार्टीशन मिल जाएगा जो कि आपके लंच को कैरी करने के लिए बिल्कुल सूटेबल है। फ्रेंड्स, मीशो पे मुझे ये टिफिन बॉक्स 330 rupees में रिसीव हुआ है एंड टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी, सो आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद दिस क्वालिटी बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा स्टर्डी मटेरियल है। ये ग्लास भी अनब्रेकेबल है तो आप इसको बहुत लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। जनरली आपको बोरोसिलिकेट के टिफिन बॉक्सेस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव रेंज में मिलते हैं, सो आई वुड से मीशो पे ये प्रोडक्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पे मिला है, तो यू कैन ऑल्सो डेफिनेटली चेक इट आउट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आइटम ऑफ दिस हॉल। मैंने अपने किचन को ऑर्गेनाइज करने के लिए ये ट्रे मंगवाया है। स्पेशल बात है इस ट्रे की, ये 360 degrees रोटेट होता है, सो आप इसमें इजीली अपने पिकल बॉटल्स, जैम बॉटल्स, ऑयल बॉटल्स, इनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस ट्रे का मटेरियल प्लास्टिक है एंड ये मुझे मीशो पे 194 rupees में रिसीव हुआ है। दिस रोटेटिंग ट्रे इज मल्टी फंक्शनल, इसे आप अपने किचन या कॉस्मेटिक्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। मैंने अपने किचन आइटम्स इस ट्रे में कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखे हैं। फ्रेंड्स, जनरली हमारे किचन में बहुत ज़्यादा क्लटर इकट्ठा हो जाता है, सो इस तरीके का ऑर्गेनाइजर यूज़ करने से आपके किचन में बहुत ज़्यादा स्पेस भी सेव होता है एंड आपका किचन नीट एंड टाइडी दिखता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आइटम ऑफ दिस हॉल। नेक्स्ट आइटम जो मैंने परचेज किया है वो अपने डाइनिंग टेबल को ऑर्गेनाइज करने के लिए लिया है। मीशो से मुझे ये स्पाइस कंटेनर रिसीव हुआ है। इसका मटेरियल प्लास्टिक है बट ये काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है। आप देख सकते हैं इसे आप सॉल्ट एंड पेपर शेकर की तरह भी यूज कर सकते हैं। इसमें आपको 3 containers रिसीव होते हैं, 2 में आप सॉल्ट और पेपर रख सकते हैं एंड ये जो बीच वाला कंटेनर है इसको आप अपने पिकल्स या किसी और फूड आइटम को स्टोर करने के लिए रख सकते हैं। इस स्पाइस कंटेनर की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है एंड देखने में भी ये बहुत स्टाइलिश लगता है। आप इसे अपने डाइनिंग टेबल या सेंटर टेबल के लिए परचेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मीशो पे मुझे स्पाइस कंटेनर्स का सेट 177 rupees में रिसीव हुआ है। लुकिंग एट द क्वालिटी मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, सो आप भी इसे एक बार ज़रूर चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में दिखाए गए सभी प्रोडक्ट्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिए हैं, सो अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है प्लीज़ चेकआउट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फ्रेंड्स, मीशो से जो मैंने नेक्स्ट आइटम परचेज किया है वो है ये हैंड ब्लेंडर। ये स्टेनलेस स्टील मटेरियल का बना हुआ है एंड इसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसे आप एग्स को बीट करने के लिए या अगर आप केक बनाते हैं तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके का वर्क करता है। मीशो पे ये हैंड ब्लेंडर मुझे 150 rupees में रिसीव हुआ है। अगर आप डेली बेसिस पे केक्स बनाते हैं तो भी आपको ये बहुत यूज़फुल रहेगा एंड इसे आप एग्स को बीट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र। मैंने नेक्स्ट आइटम जो परचेज किया है वो है ये वॉश बेसिन ऑर्गेनाइज़र। इसे आपको होल्ड करने के लिए पीछे से एक होल्डर भी दिया है, इसकी हेल्प से आप इसको अपने वॉश बेसिन के कॉर्नर में लगा सकते हैं। इस प्रोडक्ट का मटेरियल प्लास्टिक है एंड मीशो पे मुझे ये 112 rupees में रिसीव हुआ है। ये प्रोडक्ट मुझे बहुत ज़्यादा यूजफुल लगा क्योंकि इसकी हेल्प से आप अपने किचन सिंक को बहुत ही नीट एंड टाइडी रख सकते हैं। जैसे आपके स्क्रबर या स्पॉन्ज में पानी इकट्ठा हो जाता है बट इसकी हेल्प से वो ईजिली यहाँ से निकल जाएगा, सो आपका किचन बहुत ही ज़्यादा नीट एंड टाइडी लगेगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आइटम जो मैंने परचेज किया है वो भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। मैंने ये सिंक जाली मंगवाई है जो कि स्टेनलेस स्टील मटेरियल की बनी है। ये भी बहुत यूजफुल प्रोडक्ट है, जैसे कि आपके किचन सिंक में बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है समटाइम्स, तो इसकी हेल्प से वो इकट्ठा नहीं होगा एंड आप उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। मीशो पे मुझे ये आइटम सिर्फ 100 rupees में रिसीव हुआ है। इतने सस्ते प्राइसेस में आपको इतने अच्छे ऑर्गेनाइजेशन टूल्स मीशो पे मिल जाएंगे, सो यू कैन डेफिनेटली चेक देम आउट। सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज हॉल वीडियो। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी एंड मेरे दिखाए गए आइटम्स आपको यूजफुल लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आती है देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो गाइज, मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।